blood pressure in humans is greater than that at the feet, ये in at feet than at the brain, ये था question, कराया हुआ है class में. P is equal to H rho g. अपना वे ऑफ राइटिंग है ना थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको. जैसे एच आप लिखते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ या हाइट. किसकी हाइट आपको बताना है, लेंथ ऑफ, हाइट की बजाय यहाँ पे वर्ड यूज करिए लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम पे डिपेंड करता है. तो मोर इज द लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, हियर इन योर बॉडी द लिक्विड इज ब्लड, सो इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ ब्लड कॉलम विच इज मैक्सिमम एट द फीट. ब्रेन से तो हम स्टार्ट करेंगे ना हेड से, तो लेंथ ऑफ ब्लड कॉलम मैक्सिमम कहाँ पे होगी, फीट पे होगी. तो फॉर्मूला भी लिखिए साथ में, पी इज इक्वल टू एच रो जी, फॉर्मूला भी लिख दीजिए यहाँ पे, पी इज इक्वल टू एच रो जी. तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये इसको एक्सप्लेन करोगे. एरिया का कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है, प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया, ये लिखी जा रहे हैं बच्चे इसमें. प्रेशर फोर्स ओवर एरिया कहाँ से लग रहा है आपको, और हाइड्रोलिक लिफ्ट की जगह कईयों ने ब्रेक की जगह पता नहीं क्या बनाया है, और खुद लिख रहे हैं, जबकि पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला, उसमें लिख रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस. प्रेशर तो सेम रहेगा ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फोर्स का वहां पे आना है आपका, हाइड्रोलिक लिफ्ट में और हाइड्रोलिक ब्रेक्स में. हाइड्रोलिक ब्रेक्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. देखो इतने टॉपिक डिलीट हो गए हैं, जो रह गए हैं उनको तो अच्छी तरह से करो, है ना, अदरवाइज ये यूनिट सबसे ज्यादा लेंथी है. कितना आना है, जितना करवाना है मैंने उतना ही आना. बस आज होपफुली सारा खत्म हो जाएगा. काइनेटिक थ्योरी को छोड़ दो, उसका थोड़ा सा ही करना है हमने, तो इस वीक में जितना भी हुआ ऑलमोस्ट वही आपका सिलेबस. ठीक है, 20 सेकेंड्स मंडे ही है. हाँ पेपर है ना फिर आपके, हाँ तो फिर 22 से लेके 4 तक रिवीजन आपका है शेड्यूल है, तो 7 से पेपर है आपका, तो फिर और तो टाइम ही नहीं है, है ना. पहला फिजिक्स का अब आप देख लो कि क्या है उसका, अपना कल छुट्टी है ना उसमें आप उसको प्रिपेयर करो. ठीक है, फिजिक्स को प्रिपेयर करो मतलब, है ना. अच्छा चलिए, हम कर रहे थे कैपिलैरिटी, वी डिड सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कैपिलरी एक्शन यस्टरडे, मतलब सो वी डिड सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कैपिलरी एक्शन यस्टरडे. नाउ नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा. तो कल वाला ही केस ले लेते हैं, वी हैव अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर, हम इसमें कैपिलरी ट्यूब डिप कर देते हैं. ठीक है, वाटर राइज करता है उसमें, कैपिलरी ट्यूब में वाटर राइज करेगा. ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ये मिनिस्कस इसका कंकेव है, वी विल ड्रॉ टेंजेंट, वी विल ड्रॉ टेंजेंट टू दिस मिनिस्कस. वही रिजल्टेंट फोर्स इंडिकेट करता है ना, मतलब रिजल्टेंट फोर्स को टेंजेंट ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर. अब एंगल दैट द टेंजेंट टू द मिनिस्कस मेक्स विद सॉलिड इनसाइड द लिक्विड. अब देखो सॉलिड जो टेस्ट ट्यूब, ये बाहर भी है अंदर भी, आपने इनसाइड लिक्विड उसका पोर्शन लेना है, तो ये जो टेंजेंट उस सॉलिड के साथ एंगल बना रही है इनसाइड द लिक्विड, उसको कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. मरकरी के केस में भी बना लेते हैं, इन केस ऑफ मरकरी व्हेन वी डिप, ये ऐसे होता है ना कन्वेक्स, तो ये फॉल करती है, मरकरी फॉल्स इन कैपिलरी ट्यूब. वी ड्रॉ टेंजेंट अगेन टू दिस मिनिस्कस, वी ड्रॉ द टेंजेंट, एंगल दैट दिस टेंजेंट मेक्स इट सॉलिड इनसाइड लिक्विड, तो ये ऑब्ट्यूस हो गया इसके. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि वाटर लाइक लिक्विड्स के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है, बट मरकरी लाइक लिक्विड्स के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस आ जाता है अपने आप ही. तो पहले डेफिनेशन लिखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल इट इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, या मिनिस्कस भी कह सकते हो आप, इट इज एंगल मेड बाय टेंजेंट टू
liquid surface with solid inside the liquid. With solid inside the liquid. तो अब समझ में आया आपको, हमने इनसाइड जो लिक्विड है ना, ये जो कैपिलरी ट्यूब का पोर्शन इनसाइड है, उसके साथ जो टेंजेंट एंगल बना रही है वो लेना है, दैट इज एंगल ऑफ 100. सो फॉर दोज लिक्विड्स लाइक वाटर इन ग्लास दैट राइज, फॉर विच द मिनिस्कस इज कनकेव दैट वेट द कंटेनर, रिलेट करो सारी चीजों में, फॉर देम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट. For these kinds of liquids that wet the container, for which the meniscus is concave, that rise in capillary tube, for these types of liquids, angle of contact will be found acute. ठीक है? अब मर्करी वाली साइड पे ये कन्वेक्स मेनिस्कस है, फॉल करते हैं कैपिलरी ट्यूब में, कंटेनर को वेट नहीं करते. एंड वेन वी ड्रॉ टेंजेंट एंगल दैट द टेंजेंट मेक्स विद सॉलिड इन साइड द लिक्विड, इसलिए अंदर की तरफ बनाए अकॉर्डिंग टू आर डेफिनेशन. तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली एंगल ऑब्ट्यूज आ रहा है. सो फॉर सच टाइप्स ऑफ लिक्विड्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी ऑब्ट्यूज, इट विल बी ग्रेटर देन 90 degrees. फॉर एग्जाम्पल फॉर वॉटर ग्लास सिस्टम, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 8 degrees. Approximately it is 8 degrees. And for mercury glass system, angle of contact is 140 degrees approximately, which is obtuse. Okay, so for mercury glass system, angle of contact is 140 degrees. असीस आ गया. क्लियर है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपिलरी एक्शन इज क्लियर. सो नेक्स्ट आफ्टर दैट इज एसेंट फॉर्मूला. You are already aware of this formula. Dimensional analysis में आपने check किया था इसको. That rise of liquid in a capillary tube, 2t cos theta over r rho g. देखा हुआ है ना आपने? तो ये dimensionally आपने correctness check की थी इसकी. Where t is surface tension, theta is angle of contact. Now pulkit open your copy and write. T is surface tension. अब आपको मीनिंग समझ में आया, ठीक है? थीटा क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अभी जो हमने डिफाइन किया. R is radius of capillary tube. Now you understand the meaning of capillary tube also. Rho is density of liquid and small g is acceleration due to gravity. So one very important result that we get from ascent formula is, suppose we have वॉटर इन दिस कंटेनर, ठीक है? इसका रेडियस सपोज कर लो ये कैपिलरी ट्यूब है, इसका रेडियस कम है तो लेवल ऑफ लिक्विड यहां तक है, राइज ऑफ लिक्विड एच दैट इज मोर, रेडियस इज लेस. हाँ जी. नाउ वी टेक अ कंटेनर जिसका रेडियस ज्यादा है तो हाइट ज्यादा आएगी कि कम आएगी? तो लेवल ऑफ लिक्विड विल बी लेस. तो ये कहां से, कौन से फैक्टर से पता चल रहा है? एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड दिस रिजल्ट सेपरेटली इज कॉल्ड ड्यूरेंस लॉ. दिस रिजल्ट इज आल्सो कॉल्ड ड्यूरेंस लॉ. ये अलग से भी आप नोट कर, जे जे एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डिपेंडेंस जो है, अभी मैंने जो आपको एक्टिविटी लिखा, ठीक है? दिस इज कॉल्ड ड्यूरेंस लॉ. दैट नैरोअर इज द कंटेनर, लेवल द हाइट ऑफ लिक्विड विल बी, राइज ऑफ लिक्विड विल बी मोर, एंड वाइस वर्सा. 45 रोल नंबर.
चलिए अब इसका प्रूफ. सो वी आर टेकिंग वाटर इन अ कैपिलरी इन अ ड्रॉप. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वाटर एंड वी डिप अ कैपिलरी ड्यूब. हम इसको वाइड दिखा रहे हैं, आपने देखी थी कल काफी नैरो होती है ना. ये दिखाने के लिए कैलकुलेशन वी आर शोइंग इट ब्रॉडर. अब क्या होगा व्हेन वी डिप द कैपिलरी ड्यूब. पहले वाटर राइज करेगा, पहले राइज बहुत फास्ट होगा. आफ्टर सम टाइम इट विल गेट स्लोअर एंड आफ्टर दैट इट विल स्टॉप राइजिंग. ऐसे ही होता है ना, जैसे हम डिप करेंगे एकदम से लिक्विड राइज करेगा, फिर स्लो हो जाएगा, फिर रुक जाएगा. तो पहले हमें ये जस्टिफाई करना पड़ेगा व्हाई डज दिस हैपन. सो लेट अस ड्रॉ द मेनिस्कस. दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. तो कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. वी ड्रॉ टेंजेंट हियर सिमेट्रिकली. हियर आल्सो वी कैन ड्रॉ टेंजेंट ड्यू टू सरफेस टेंशन. This is reaction numerically equal to surface tension only. ठीक है. तो if we draw tangents here, तो reaction भी surface tension equal होगी. Action and reaction are equal and opposite. ये surface tension force है ना tangent के लो. तो इसकी जो reaction मिल रही है वो equal and opposite होगी. तो let us now this is your angle of contact on both sides. Angle that this tangent is making with solid inside liquid. वो angle of contact है. अब let us see कि ये vertically opposite angle है, ये भी theta है. Resolve this P into two components. Resolve this P into two components. What will be this P cos theta? This will be P sin theta. P cos theta, P sin theta. Resolution is clear to you? Jurin's law. Jurin. J. F लग रहा था. कम से कम F तो नहीं लग रहा था. F लग रहा था. F ऐसे होता है. कर्सिव राइटिंग भूल गए हो? ऐसे डालते आप I ऐसे डालते थे है ना. चलो रहने दो कोई बात नहीं. ये F था, ये तो वो F नहीं था. ठीक है, इंग्लिश क्लास किसी दिन और लगाएंगे, फिजिक्स पढ़ो. ठीक है, चलिए अब देखो ये T sin theta में गेट कैंसिल. व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग नाउ इन द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू सरफेस टेंशन. सो व्हाई डज द लिक्विड राइज सो फास्ट इन द बिगिनिंग. क्योंकि कौन सा फोर्स इस अपवर्ड सरफेस टेंशन फोर्स को बैलेंस कर रहा है. वेट ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब. तो पहले अभी जस्ट लिक्विड हैज स्टार्टेड राइजिंग तो वेट इज वेरी लेस. अभी तो थोड़ा सा लिक्विड उसमें है तो वेट कम है. सरफेस टेंशन फोर्स एक्सीड करेगा तो बिकॉज ऑफ ग्रेटर अपवर्ड फोर्स इट राइजेस सो फास्ट इन द बिगिनिंग. ठीक है, इतनी फास्ट पहले इसलिए राइज करेगा क्योंकि अपवर्ड फोर्स इज मच ग्रेटर देन द डाउनवर्ड. अब appreciable amount of water जब राइज करना स्टार्ट हो गया तो वो काउंटर बैलेंस करना स्टार्ट हो गया. ठीक है, अपवर्ड फोर्स इज काउंटर बैलेंस बाय सम डाउनवर्ड फोर्स तो उसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है. आफ्टर सम टाइम इन इक्विलिब्रियम बोथ द फोर्सेस बैलेंस ईच अदर सो लिक्विड स्टॉप्स राइजिंग. ठीक है, तो ये सिचुएशन पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे होता क्यों है. पहले फास्ट राइज करता है, स्लो हो जाता है, फिर रुक जाता है. Got it now? So mathematically now we are talking about the situation of equilibrium. So in equilibrium, upward force due to surface tension balances the downward force due to what? Weight. Due to gravitation, gravity, या फिर आप लिख दो downward weight. Weight is a force. So upward force is equal to downward force. What is the upward force? Total upward force कितना है?
How much is total upward force? It's not 2t cos theta cube. क्योंकि ऐसे फोर्सेस ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन एक्ट कर रहे होंगे. अभी तो हमने सिर्फ दो मार्क किए. ऐसे t cos theta components ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब एक्ट कर रहे होंगे. सो इट इज 2 पाई r into t cos theta ओवर द होल सर्कमफेरेंस. तो आप इसको लिखोगे 2 पाई r into t cos theta. इट इज नॉट जस्ट 2t cos theta. Clear again, step. Up downward force, wave, mg. अब हम मास को कैसे लिखेंगे? Volume of liquid into in the capillary tube into density into u. Now the question is how to find the volume of liquid in this capillary tube. जहाँ पे liquid यहाँ पे भी है. तो ये अब एक challenge है कि इसका volume कैसे निकाला जाए. Volume of liquid in the capillary tube. यहाँ तक h है. ये इस लेवल तक जहां से हम रीड करते हैं. यहां तक हाइट h है और ये r है. ठीक है. अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट. इट इज अ सिलेंडर ऑफ हाइट h रेडियस r प्लस वॉल्यूम ऑफ अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट r रेडियस r माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस r. अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा इस शेप के लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा. ऐसे ही ठीक है. एक बार दोबारा से सुन लो. हाउ वी विल फाइंड वॉल्यूम. यही मेन स्टेप है इसमें. पहले तो इतना रेक्टेंगुलर ये सिलेंड्रिकल पोर्शन तो सीधा सीधा लिक्विड. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h रेडियस r प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर ऑफ हाइट h r रेडियस r माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस. तो इससे ये साइड पे जो लिक्विड है उसका भी वॉल्यूम. ठीक है. सो सी हाउ वी आर गोइंग टू राइट 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h रेडियस r प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट r रेडियस r माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r. ये आ गया आपका वॉल्यूम. ये यूज करेंगे वो तो लिक्विड एंड कैपिलरी ट्यूब यहां से शुरू करेंगे. यहां से लेवल स्टार्ट होगा. वहीं से स्टार्ट करें. बाकी तो नीचे तो वो सारा कॉमन ही है. किसको हाइट ये यहां से लोअर मिनिस्कस से लेके इसको हमने अच्छी. चलो वैल्यूज पुट करते हैं. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. तो 2 पाई आर टी कॉस थीटा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इनटू आर. पाई आर क्यूब हो गया. एच इज इक्वल टू आर. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई टी पाई आर क्यूब. फॉर्मूला पुट कर दिया राइट. टू पाई आर टी कॉस थीटा. अब इन दोनों का एलसीएम ले लो. पाई आर क्यूब और माइनस टू बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री. ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर क्यूब बाई थ्री रो जी. लास्ट टू टर्म का एलसीएम ले लो. ये आ जाएगा 1 बाय 3 पाई आर क्यूब आ जाएगा. फाइन. लेट अस टेक आउट पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर कॉमन.
Is this step okay? देखो क्या कैंसर आउट हो रहा है, वाई कैंसर हो गया, ए so we are left with 2t cos theta is equal to h plus r by 3 r rho theta. ठीक है, जो स्टेप क्लियर नहीं है पूछ सकते हो. फाइन, ये एक r बचा था ना, ये वाला r rho theta. नाउ लेट्स राइट h plus r by 3. It will be 2t cos theta upon r rho g. Fine. Now ये देखिए कि r कितना है, इतना, और उसका one third कितना होगा, इतना, और h is very large in comparison to r by 3. So we can ignore r by 3 in comparison to. आप लिखोगे r by 3 is very small in comparison to h. So ignoring r by 3 we get the desired formula, the sent formula. H is 2t cos theta over r rho. So this is our sent formula. ठीक है. अरे कैपिलरी ट्यूब देखो, मैंने आपको बताया था कि फोर्सेस शो करने के लिए वैसे वाइड दिख रही, जबकि वो इतनी थिन होती, तो उसकी हाइट के कंपैरिजन में आर बाय थ्री हमेशा इग्नोरेबल है. राइट, वन थिंग मोर फ्रॉम द रिजल्ट, एच इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट. सो फर्स्ट केस, लिक्विड्स दैट राइज, वो लिक्विड जो राइज करते हैं जिनका मिनिस्कस क्या होता है, कंकेव होता है, एंड दे वेट द कंटेनर. ऐसा लिक्विड कोई एग्जांपल, वाटर ग्लास सिस्टम है ना, तो उनका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हमने देखा था एक्यूट होता है. कॉज ऑफ एक्यूट एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, आप चेक करके देख सकते हो, कॉज ऑफ एक्यूट एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव. So height of such liquids is positive. Positive height means that these liquids will rise in the capillary. So this is proved mathematically that such liquids, they rise in the capillary. क्योंकि उनका angle of contact acute होता है. Cause of acute angle is always positive, so height is also. So there is no doubt such liquids will rise in the capillary tube. Their H will be positive. Positive means rise. Second case. Now, those liquids whose surface, whose meniscus is convex, that don't get the container for which angle of contact is obtuse. Cos of obtuse angle is negative. आप चेक कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल थीटा इज 120 डिग्री, कॉज ऑफ 120 इज माइनस 1 बाय 2, कॉज ऑफ 180 डिग्री इज माइनस 1. सो कॉज ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट मीन्स हाइट ऑफ सच लिक्विड विल बी नेगेटिव. दीज लिक्विड विल फॉल इन द कैपिलरी. Negative height means they will fall in place of rise. Such liquids will fall in the capillary tube. Clear? तो ये है ascent formulas. तो हमारा liquids का portion यहाँ पे खत्म हो जाता है. Then we come to kinetic theory of gases. ये प्रॉपर्टीज हम मैटर तो आना ही है ना, उसी का पार्ट है. ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं करवा रहे आपको, आफ्टर द एग्जाम. तो लेट अस स्टार्ट विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस.
Gases, you know, are considered elastic spheres. They are gas molecules are considered to be spherical in shape. And different properties, different postulates of kinetic theory of gases, I think you are already aware of, that gas molecules are considered to be elastic spheres that collide perfectly, elastically. You can say perfectly elastic collision, they suffer with other gas molecules, such that there is no loss of momentum and kinetic energy during the collision. And they move about randomly. Their zigzag motion is called Brownian motion. Okay? Zigzag motion of gas molecules in a container, that is called Brownian motion, given by Sir Brown. Aur kya hota hai? The mean free path, relaxation time, ye different terms hai. ये सारी काइनेटिक एनर्जी के पोस्टुलेट्स में आते हैं, काइनेटिक थ्योरी के. हैव यू हर्ड रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल. मतलब इट इज द टाइम आफ्टर विच नेक्स्ट कोलिजन विल टेक प्लेस. चलो लिखो पहले पोस्टुलेट, लिखिए. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी इलास्टिक स्फीयर्स. गैस मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी इलास्टिक स्फीयर्स. सेकेंड है, बस आप पॉइंट लिखो, पूरा क्या लिख रहे हो आप? लिखो दे आर इलास्टिक स्फीयर्स, मेन पॉइंट, उसे याद आ जाएगा आपको. दे कोलाइड, दे सफर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स विद अदर मॉलिक्यूल. दे सफर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स. वहां से आप रिकॉल कर लोगे कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती इन देयर केस. थर्ड इज गैस मॉलिक्यूल्स, दे मूव अबाउट रेंडमली इन ऑल द डायरेक्शंस इन द कंटेनर. दे मूव रेंडमली, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती. फोर्थ इज टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस. टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस is called relaxation time. Relaxation time is for tau se denote karte hain. Relaxation time, tau. ठीक है, चलो बाकी सैटरडे को करते हैं, सैटरडे को ओवर हो जाए.